पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सूबे में जाट आरक्षण पर रोक लगा दी है और मामले पर खट्टर सरकार से जवाब भी मांगा है। कोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। क्या हरियाणा में फिर चलेगी जाट आरक्षण आंदोलन की आंधी? क्या सूबे में फिर भड़केगा जाटों का गुस्सा? जाट आरक्षण आंदोलन की आग में हाथ जला चुकी राज्य सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी है, साथ ही अदालत ने खट्टर सरकार से जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी, यानी अब कोर्ट के आदेश के बाद अगली सुनवाई तक आरक्षण के तहत आने वाले लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। दरअसल हाई कोर्ट ने ये आदेश शक्ति सिंह की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता ने ये कहते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि हरियाणा सरकार ने जाटों के दबाव में आरक्षण दिया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही जाट आरक्षण की नीति रद्द कर चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी जाटों को पिछड़ा मानने से इनकार कर दिया था। ऐसे में जाटों को आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। आपको बता दें कि फरवरी में हिंसक जाट आरक्षण आंदोलन के बाद सरकार ने 29 मार्च को विधानसभा में 6 जातियों को आरक्षण दिया था। इन 6 जातियों में जट, सिख, रोड़, बिश्नोई, त्यागी और मुल्ला मुस्लिम जाटों को शामिल किया था। आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार पिछड़ा वर्ग की नई कैटेगरी BCC का प्रावधान लाई थी। यहां तक कि सरकार ने इस बिल को अधिसूचित भी कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब हाई कोर्ट के आए इस आदेश ने सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। बिल्कुल, खट्टर सरकार के लिए अब मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखना यह है कि सरकार अब क्या कदम उठाती है और कोर्ट में ऐसी क्या दलील देती है जिससे हाई कोर्ट सरकार के लिए राहत भरा फैसला सुनाए। देखते रहिए टीवी लाइव।